जैसा कि आपने देखा पिछले ब्लॉग में हम लोग चाय पानी के लिए रुके थे, हमने कॉफी पी के हम लोग निकल पड़े हैं आगे। हम जा रहे हैं नीम करौली, जैसे कि आपको पता ही है नीम करौली वाली सीरीज मेरी चल रही है, तो हम निकल गए वहां से कॉफी पी के और हम निकल चुके हैं। इस टाइम 7 बज गए क्योंकि घंटा वरना हमने थोड़ा रेस्ट भी किया, इधर उधर थोड़ा सा बाहर घूमे, तो अब इस टाइम ना यूके में हम लोग ना यूके में पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड से निकल रहे हैं, उत्तराखंड के ना रोड्स देखो, मतलब दिल ना खुश हो रहा था। साइड का एक्चुअली मैं उसमें थी, साइड में थी, तो साइड का मैं वो नहीं ले सकी हूँ। तो ये व्यू देखो आप, इतने सुंदर व्यू थे ना, मतलब आगे चलते अंधेरा लग गया था होने क्योंकि 7 बज चुके थे, तो अब बहुत सुंदर नजारे थे, बहुत सुंदर लग रहा था। और रोड्स देखो ना, पता नहीं चल रहा था, मैंने पिछले भी बताया ना, पिछले कल भी बताया आपको भी, 110-120 की स्पीड में दौड़ा रहा है वो, लेकिन पता नहीं चल रहा, मतलब ये नहीं कोई जैसे धक्के लगते हैं या कोई ऐसा है, अभी हम लोग मतलब बहुत स्पीड में है। बहुत अच्छा लगा, इतने सुंदर रोड्स है ना, यूके के रोड्स देख के ना कसम से दिल खुश हो गया था। और बस देखते हैं अब आगे कितने बजे पहुंचते, कितने जी पहुंचते हैं, शायद ये बता रहे थे भी 4 घंटे का रास्ता है आगे ना जहाँ पे हम लोग रुके थे। और हम लोग जा रहे हैं अभी, इस टाइम हम हल्द्वानी के लिए निकले हैं, लेकिन हल्द्वानी जो है वो हम सिटी से होके नहीं निकलेंगे, बाहर से साइड से निकलेंगे। बच्चों को पता है शॉर्टकट्स पता है, क्योंकि बीच में आपको पता ही भी अगर सिटी से होकर निकले तो ट्रैफिक, हर एक ही जगह पे ट्रैफिक होता है, चाहे आप कहीं भी निकल जाओ ट्रैफिक बहुत होता है। तो हम लोग साइड से होकर निकलेंगे, हल्द्वानी नहीं जाएंगे, हल्द्वानी के साइड से होकर निकलेंगे, रामनगर हल्द्वानी वगैरह साइड से निकलेंगे हम लोग। और ये देखो उत्तराखंड के गांव देखो, प्लेन ही, उत्तराखंड भी प्लेन है सारा ना। अब मैंने सोचा शायद जैसे हम आगे जाके तो खैर वो है पहाड़ियां हैं, पहाड़ियां मिलेंगी देखने को आपको, लेकिन ये भी यूके के शहर हैं, कहीं के बीच में यूपी लग रहा था, कहीं यूके लग रहा था। तो चलो देखो मेरे साथ, हम निकल रहे इस टाइम बाजपुर में से, पता नहीं बाज तो वहीं दिखा रही है मैं अभी तक, पर कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है बाजपुर, लेकिन हमने गूगल पे सर्च किया हमें पता लगा भी ये बाजपुर है और बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत अच्छा। 8:30 बज चुके हैं, हाँ बस कोतवाली में लिखा हुआ बाजपुर का, ये भी बाजपुर है ना, वही कह रही मैं, उधर से रामनगर निकल गया तो ये वही होगा ना फिर। Hours later. तो जी हम नैनीताल पीछे छोड़ा है और जहाँ हमने अपना जो होम स्टे, भीमताल से भी आगे जाना है, हाँ भीमताल से भी आगे जाना है, जो हमने अपना होम स्टे जो मतलब ऑनलाइन ही बुक किया था वहाँ जा रहे हैं हम लोग, वो भीमताल के पास ही है और जो आपका नैनीताल है उसके पास ही बिल्कुल 1/2 घंटे का रास्ता है। तो टाइम बहुत हो गया है, भूख लगी थी और हमारे गाड़ी नहीं रोकते, रोक रहे थे कहीं पे, तो बस खाना खाने के लिए रुके हैं और नैनीताल से थोड़ा आगे है, नैनीताल साइड को चला गया तो आगे रुके हम लोग ना। तो आशु जी, तो बस खाना ऑर्डर कर दिया हमने और अब कर रहे हैं वेट खाने का, और खाने का वेट कर रहे हैं तो अपने अपने फोन में लग गए, पर लेकिन नेटवर्क नहीं, यहाँ पे पूरे रास्ते भी नेटवर्क नहीं था और कहीं पे भी नहीं था, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी तो हम लोग फोन चला ही नहीं सके, बस मैं तो शूट करती रही। नेक्स्ट मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राम राम सबको, और आज की नई सुबह में सबका स्वागत। आप लोगों का दिन शुभ हो, जहाँ पे भी रहो सुखी रहो, तंदुरुस्त रहो और मस्त रहो। और मैं दिखाऊंगा आपको, देखो मेरी सुबह आज कहाँ पे हो रही है, जन्नत, ये देखो मेरी सुबह कहाँ से हो रही है, ये देखो। मैं दिखाती हूँ आपको पीछे का व्यू मेरा, क्या मेरी अंशुल की, दोनों की। अंशुल गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, थक गए हो? तो देखो जरा मैं दिखाती हूँ आपको बैक कैमरा से मेरी सुबह कहाँ पे हो रही है आज। देखो मेरी सुबह इन हसीन वादियों से, और मैं हूँ इस टाइम
कहाँ पे कौन सी जगह यार, मुझे भीमताल, भीमताल याद नहीं रहा था। मैं हूँ भीमताल में, यूके उत्तराखंड के भीमताल में। हम इस टाइम रात को पहुँच गए थे, रात को हम लेट पहुँचे, रात को पहुँचे हम 12 बजे। तो मैंने शूट नहीं किया, मैं दिखाती हूँ हम कहाँ थे रात को, कहाँ थे। मैं मेरे ले जा बेटू, मेरे ले जा, तेरी चप्पल उसी में है ना नीचे, मेरी ले जा। ये जहाँ पे हम ठहरे हैं, हमने ना वो ले लिया था, मैं बताती हूँ आपको कैसे कैसे क्या क्या। ये देखिए, पर पहले उत्तराखंड के हसीन वादियों के नज़ारे ले लो, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है कसम से। ये देखो, और ये है वो लोकेशन जहाँ पे हम ठहरे हैं। ये गेस्ट हाउस है, हमने ऑनलाइन ही बुक कर दिया था जैसे कि मैंने आपको बताया था। ये देखिए, यहाँ पे बस ऊपर मेन जो है, मेन खैर वो तो नहीं है हाईवे है, लेकिन जो मेन रोड है ऊपर है उसे थोड़ा सा, ये देखो बस इतने के फासले पे वो गाड़ी लगाई हमने सामने, और बस ये इस तरह से है। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो, ये लिया था हमने कल ना, जो गेस्ट हाउस लिया था ना, ये 2 बेडरूम्स हैं और एक ये रूम है, इधर वॉशरूम है अटैच, और किचन भी है। मैं दिखाती हूँ आपको, तो ये इस तरह से मतलब बना हुआ है, हमने ऑनलाइन ही बुक कर लिया था। मैं दिखा दूंगी आपको इसका, अगर किसी को भी भीमताल आना हो तो आप लोग भी। ये देखो, एक बेडरूम ही है, यहाँ पे यूवी की सेवा हो रही है। यूवी गुड मॉर्निंग, अम्मा गुड, जय कर दो, जय कर दो जल्दी से, जय हो जय हो। अम्मा ने मेरे को भी जय नहीं किया, जय। ये और एक बेडरूम ये है, अभी उठे ही है, खैर उठाए नहीं हम लोगों ने, ये इस तरह से बने हुए हैं। ये देखो ठीक है, मतलब बढ़िया है। और ये किचन है, तो जैसे कि आप लोग आते हो ना, ये देखो आपको गैस भी है, वो यूटेंसिल वो है, कुकर वुकर भी है, गिलास टोरियाँ, मतलब लगता है छोटा मोटा जैसे वो है आपका नमक मिर्ची वो चीजें भी है। तो हम तो खैर लेट आए हैं, नहीं तो आप ना वो भी कर सकते हो अंदर भी शायद, मेरे को लगता है। हाँ ये देखो सारे इस तरह से ना यूटेंसिल भी मिलेंगे आपको सारे, ये देखो, तो आप वो भी कर सकते हो अगर अपना खाना बनाना चाहो ना, खाना भी बना सकते हो। हमने जैसे सुबह उठ के ना वो थी बॉटल थी गर्म पानी वाली, बॉटल गर्म पानी कर लिया है। हम लोगों को खैर इतना नहीं था, तो हम लोग ना रात को पहुंचे थे यहाँ पे, आपको जैसे कि आपको मैंने बताया ये कि हम लोग जा रहे नीम करौली बाबा जी के दर्शन के लिए, और हमने ना ऑनलाइन ही बुक करवा लिया था इसका गेस्ट हाउस का अंशुल ने ना, तो ठीक मिल गया, रेट भी ठीक है, कोई ऐसा नहीं है भी। और मतलब ये क्या भी, चल हमने नीम करौली हमारे लिए यहाँ से सिर्फ आधे के घंटे का रहना है, वो चीज भी है पास में बिल्कुल। और मतलब मैं हूँ, अंशुल है, सिस्टर है, उसका पोता है, बेटा है, बहू है, तो 2 बेडरूम्स है, एक और है अंशुल फर्स्ट वाले अंशुल, हम दोनों बहनें इधर और वो दोनों ये भी उधर। तो मतलब ठहरने के लिए भी बहुत अच्छा हिसाब किताब है, और हमारा चेकआउट है यहाँ से 12 का। खैर हम तो जल्दी चले जाएंगे क्योंकि हमने दर्शन नहीं किए, दर्शन करने हैं। हम भीमताल में मतलब रात को भीमताल में ठहर गए थे, तो क्योंकि लेट हो गया, तो बहुत ज्यादा लेट हो गया था, तो इसलिए पहले अंशुल ने ऑनलाइन ही बुक करवा लिया था। तो बस इस तरह से है, और बहुत अच्छा रहा हमारा कल। हम मॉर्निंग में ना 11 बजे चले आएंगे, और आपको यहाँ पे 11:30 पहुंचे हैं, बीच में तो जगह रुके, 2-3 जगह रुके भी है, खाना खाने रुके हैं, वो आपको पता है जब खाना खाने रुकते हैं तो घंटा लग जाता है, और फिर रुके चाय पानी के लिए, कॉफी वॉफी ली थी, वहां पर आधा पौना घंटा लग गया, थोड़ा सा हो ही जाता है ना क्योंकि इतना लंबा सफर है घर पे ही। तो खैर चलो पूरा रास्ता, मतलब ये नहीं भी यहाँ पे भी वही मौसम था, मतलब गर्मी थी बहुत ज्यादा, पूरा रास्ता एसी चलाया हमने, एसी कहाँ बंद किया, जहाँ हम नैनीताल के नजदीक आया था वहाँ एसी बंद हुआ है, ये तो पूरे रास्ते एसी चलता रहा क्योंकि गर्मी थी। और ये देखो इसको मम्मी दिखी ना, एक मम्मी की पूछटी, ओए मम्मी की पूछ, मम्मी दिखी नहीं कि मैं लगे नहीं करने। तो चलो बस अब करते हैं तैयारियां, नहाना धोना हो जाता है, नहाना धो के फिर हम निकलेंगे। चलो दिखाते हैं आपको आगे आगे कैसा लगता है हमारा।